रुक करते हैं प्रदेश की ओर। नूरपुर स्कूल बस हादसे के बाद आज शिमला झांझड़ी बस हादसे पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश व जस्टिस अनूप चिटकारा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जो कि कल तक यानी कि 3 जुलाई तक टाल दी गई है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हादसों पर कमेटी का गठन किया जाए और कौन कौन से लोग इस कमेटी में होंगे इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। नूरपुर स्कूल बस हादसे के बाद आज शिमला झांझड़ी बस हादसे पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश व जस्टिस अनूप चिटकारा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जो कि कल तक यानी 3 जुलाई तक टाल दी गई है। मामले की सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हादसों पर कमेटी का गठन किया जाए, कौन कौन से लोग इस कमेटी में होंगे इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। ये कमेटी हादसों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और भविष्य में हादसों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा इंतजामों पर काम करेगी। जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ है हमारे शिमला में, जो खलीनी के पास जंजीरी क्षेत्र है, वहां पे एक जो स्कूल बस नीचे खाई में गिर गई और जिसमें जो हमारे जो बच्चे थे चेल्सी स्कूल के, वो बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ बच्चों की उसमें जान भी गई है, उसी को लेके हमने पिछले दिन यहाँ पे ऑनरेबल सीजे के सामने इसको केस को मेंशन किया था कि इस केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि जो पिछले कुछ महीनों पहले नूरपुर में भी एक ऐसी ही दुर्घटना हुई थी, उसके बाद सिरमौर में एक ऐसी दुर्घटना सामने आई थी और ये तीसरा ऐसा हादसा है जिसमें स्कूली बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। इसी को लेकर आज जो नूरपुर हादसा है उस केस की सुनवाई की गई, जिसमें जो उसमें अमाइकस रहे हैं, जो फॉर्मर एडवोकेट जनरल रहे हैं श्रवण डोगरा जी, उन्होंने उसमें बहस की। उसमें हम लोगों ने कहा है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो कुछ ऐसी डायरेक्शंस दे प्रशासन को, चाहे स्कूल अथॉरिटीज को, कि जो जिस तरह से सड़कें खराब है, नूरपुर में भी जो हादसा हुआ था वो खराब सड़क और टेक्निकली फॉल्टेड बस के कारण हुआ था, और उसी तरह से जो झंझीड़ी में कल हादसा सामने आया है, वो भी एक तो जो रोड साइड पार्किंग है, जो इल्लीगल पार्किंग पूरे शिमला में आप देख सकते हैं, और जो वो सड़क है वो एक एम्बुलेंस रोड थी, वो पहले ही उसकी चौड़ाई कम है, जिसमें से सिर्फ जो छोटी बस है वो बहुत धीरे धीरे से निकलती है, पर उसी में जो रोड साइड पार्किंग की गई थी उसके कारण वो जो बस के टायर है वो बाहर चले गए और उस सड़क के नीचे कोई सख्त या पुख्ता डंगा ना होने के कारण वो बस नीचे चली गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण तो हुआ है पर उन सड़कों की देखरेख नहीं की जा रही है, और जिस तरह से पहले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यहाँ पे था कि आपको एक पार्किंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तभी आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, हमने कोर्ट में भी ये बात की है कि वो जो पार्किंग सर्टिफिकेट्स है, जो लोग पार्किंग सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, क्या वो सच में ही बोनाफाइड्स है, क्या आप उसके चेक किए जाते हैं कि वो ठीक से है, कि अब जो दलालों ने उसको भी एक काम बना दिया है कि आप 5,000 रुपए दीजिए आपको हम पार्किंग सर्टिफिकेट ला के देंगे, क्योंकि अगर सबके पास पार्किंग सर्टिफिकेट्स थे तो वो गाड़ियां सड़कों के किनारे किसकी गाड़ियां हैं, क्या जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो बिना पार्किंग सर्टिफिकेट्स के की गई है, या जो लोग हैं वो अपनी पार्किंग के पैसे बचाने के लिए सड़कों के किनारे इलीगल पार्किंग करते हैं, इस पर प्रशासन का क्या स्टैंड है, हम इसी को लेकर आज न्यायालय में आए थे और अब हम एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इन चीजों पर ध्यान देगी, इसी को लेकर कल इस बहस इस पर सुनवाई कल फिर से रखी गई है और हम लोगों को कहा गया है कि हम अपने सजेशंस दें कि इस कमेटी में हम किन किन लोगों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं,